जय हिंद मैडम सर. हाँ, कोई नई खबर? खबर तो बहुत सारी मैडम सर, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट खबर देती हूँ. डीएसपी सर ने ना इकबाल की बिरयानी खत्म कर दी और पुष्पा जी का डब्बा खत्म कर दिया. तो पुष्पा जी ना एकदम भूखी प्यासी इधर उधर भाग रही, एकदम तड़प रही है. संतोष शर्मा, हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालने के लिए कहा था उससे रिलेटेड कोई खबर है? अच्छा, वो मैडम से मैं आपको वही बताने वाली थी, लेकिन आपने मुझसे पूछा लेटेस्ट खबर दो, तो मैं लेटेस्ट खबर आपको बताना शुरू कर दिया मैंने कि पुष्पा. संतु. हाँ, ये लो. जय हिंद मैडम सर. आपने मूसा के बारे में पता लगाने के लिए कहा था ना, तो आपको बताने लायक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है. और उसका जो अकाउंटेंट है अर्जुन, उसके बारे में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है मैडम सर. क्या? कोई रिकॉर्ड नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं, नहीं है ना संतु? नहीं मैडम सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है. मुझे तो लगता है ये आदमी जरूरत से ज्यादा ही कुछ चालू है. ऑनलाइन भी इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और कागजों पर से तो ऐसे गायब है जैसे इस नाम का कोई बंदा ही ना हो. ठीक है, आप लोग देखते रहिए, अगर कुछ मिले तो हमें इन्फॉर्म करिए. जय हिंद मैडम सर. मंगाते हैं? क्या हुआ मैडम सर? कुछ नहीं, किसी और केस के बारे में बात कर रहे थे. पुष्पा जी, क्या हुआ? धूल है. सत्यानाश हो तुम्हारा, डरा दिया ना हमें. एक दिन हमारा दिल बैठ जाएगा तुम्हारे इस चक्कर में. और ये क्या वक्त है इन सब बातों का? वहां करिश्मा मैडम और हसीना मैडम इतने बड़े मिशन पर गए हैं और तुम्हें यहाँ धूल मिट्टी की पड़ी है. अपना काम करो. संतु जी, हम का पुष्पा जी, चाय. संतु जी, हम का खबरदार पुष्पा जी, रख दू दी चाय. खबरदार पुष्पा जी, बोलिए किसी को अगर किसी ने एक भी शब्द बोला तो. खबरदार. संतु जी, बहुत जरूरी बात करना था. पुष्पा जी, आपको पता मैं कितनी बिजी हूँ? वो बिजी है, सब सुनाई दे रहा है हमको क्लियर. जो भी संतु जी बोल रहे हैं टपाक से सुन ले रहे हैं. 4G का स्पीड एकदम क्लियर. तो जब सब सुनाई दे ही रहा है पुष्पा जी, तो क्यों कोई बात कर रहा है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में. एक मिनट, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? हर वक्त मस्ती मजाक. तुम अपना काम करो और तुम जीते, थोड़ा तो काम कर लिया करो. पुष्पा जी, हमारा कोई सुने तब तो. हम यहाँ पर किस लिए? हम तो काम का बात करने के लिए ही आए थे ना पुष्पा जी. तुम हमारा कोई सुने तब तो. तब से हम बोले जा रहे हैं कि हमको कुछ बात करना, लेकिन नहीं, हमारा तो कोई सुन. पुष्पा जी, तो सो अर्जुन, अर्जुन नाम है ना तुम्हारा, कब से जानते हो मूसा को? जी आपने हमसे कुछ कहा का? कोई और है तुम्हारे साथ? नहीं. तो तुम ही से पूछ रहे हैं कब से जानते हो मूसा को? बचपन से. अच्छा, फिर तो तुम दोनों की उम्र भी लगभग सेम होनी चाहिए. कितने साल के हो? 30 साल के. 30 साल. सबसे पहले मूसा से मुलाकात कहाँ हुई? यहीं लखनऊ में. लखनऊ में कहाँ? अनाथालय में. तुम दोनों अनाथ हो? जी हाँ. काफी मिलती जुलती कहानियां तुम दोनों की. इस हिसाब से तो तुम दोनों फिर काफी करीब भी होंगे, भाइयों की तरह. हम दोनों एक ही हैं. अच्छा, तो एक बात बताओ, मूसा ने तुम्हें पार्टनर क्यों नहीं बनाया, अकाउंटेंट बना दिया? बस ऐसा ही बन गए. अकाउंटेंट हो तो सीए भी किया ही होगा. कौन से साल में किया था? सन 2008. 2008? मतलब जब तुम सीए बने तब तुम सिर्फ 18 साल के थे. हमने पढ़ाई बचपन में शुरू कर दी थी. इसका कुछ इंतजाम करना होगा, वरना मैं मूसा हूँ ये बात इन्हें अभी पता चल जाएगी. करिश्मा मैडम जी हमसे मूसा के बारे में सब कुछ पूछ चुकी हैं. ये मतलब आपको क्या लगता है कि करिश्मा मैडम को ठीक से इंटरोगेट करना नहीं आता का? इससे तो साफ जाहिर होता है कि आपको इनकी एबिलिटी पर डाउट है. जाने दीजिए मैडम जी. हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? पूछ लिया जो पूछना था. मैडम सर का मैसेज है, जैसा भी हो पता करो कि मूसा दिखता कैसा है अभी. अच्छा संतु जी, हम क्या कह रहे थे? अमर तुम फिर आ गए, हमने तुमसे कहा ना बाद में बात करो, जाओ अभी. पुष्पा जी, हम चंदा मांगने नहीं आए, इंफॉर्मेशन देने.
पहली बार भी इंफॉर्मेशन देने आया था बेचारा, आपने उसको भगा दिया। हमने? आप दोनों के सिवाय भगाने वाला है कौन इधर? और भैंस हर बार पूंछ उठाती, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोबर ही करेगी। तबेले से सकल के इंसान तुम बात ही भैंस और गोबर का कर सकते हो, है ना? और तुम हमारा वकालत कर रहे हो कि हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं कर रहे, हाँ बेइज्जती कर रहे। पॉइंट पे आओ, हमारे पास टाइम नहीं है, पॉइंट पे आओ। हाँ तो हम ही कह रहे थे पुष्पा जी की जो मूसा है ना, उसका पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो, सच में? देखिए ना कितना बढ़िया वाला फोटो निकाल कर लाया है उसका, देखिए। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला पगले? कोशिश बहुत किए थे हम बताने का ये बात, लेकिन हमारा कोई सुने तब तो। हाँ हाँ फोटो 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 दे। नहीं संतु जी, नहीं संतु जी, ऐसे फोटो नहीं देंगे हम। मतलब? मतलब कि आप एक बार प्यार से बोलिए कि आप हमको माफ कर दी तभी दिखाएंगे। चीते फोटो। नहीं सुन। फोटो फोटो फोटो। एक बार बोलिए। फोटो फोटो फोटो। एक बार फोटो फोटो। एक बार। हाँ माफ किया, फोटो। नहीं संतु जी, प्यार से बोलिए एक बार कि माफ कर दी संतु। और कितना आगे है? बस पहुंच ही गए मैडम। पहुंच ही जाए तो बहुत अच्छा, और ये मूसा मिल ही जाए तो और अच्छा, नहीं तो हम तुम्हारी खाल में ना भूसा भर देंगे। चिंता मत कीजिए मैडम, आज आपकी मुलाकात मूसा से जरूर होगी, ये वादा है हमारा। क्या है ये? का है मतलब? फोटो है और का है? किसका? मूसा का फोटो है पुष्पा जी। चीते मजाक लग रहा है क्या? हाँ यहाँ पे सब इतनी टेंशन में है, वहाँ मिशन में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और तू अपने सड़ियल से जोक मार रहा है। क्या मजाक कर रहे हैं संतु जी? ये मजाक कर रहे हैं। हाँ तो तुम्हें लगता है कि मूसा एक बच्चा है? हाँ तो और क्या कह रहे थे हम? हम भी तो ही कह रहे थे ना पुष्पा जी। मगर तुम्हारे पास ये फोटो आई कहाँ से? मूसा की फोटो तो इंटेलिजेंस के पास भी नहीं है। नहीं पुष्पा जी, हम ये क्या कह रहे थे कि आप समझिए नहीं हम क्या कह रहे थे। जैसे कि हम मनोवैज्ञानिक हैं तो कभी ना कभी अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो करेंगे ना। अब भूल गए क्या पुष्पा जी कि अर्जुन अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था? वो कहा था ना कि मूसा जो है बचपन में ही अनाथ हो गया था, और अनाथ होने के तुरंत बाद वो क्राइम करना शुरू कर दिया था। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मूसा अपने बचपन में क्राइम करता था तो बचपन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्राइम तो किया ही होगा, और क्राइम किया होगा तो रिमांड होम तो जरूर गया होगा। तो फिर हम बिल्लू का मदद लिए, उसके बाद से पहुंच गए सीधा लखनऊ रिमांड होम, और वहां पर मूसा नाम का जितना भी बच्चा लोग था उसका फोटो निकलवाया। तो यही है चार तस्वीर, यानी कि इन्हीं चार बच्चों में से कोई मूसा है। यस। मगर ये भी तो हो सकता है ना कि मूसा बचपन में रिमांड होम गया ही ना हो। मगर ये भी तो हो सकता है ना पुष्पा जी कि वो बचपन में रिमांड होम गया हो। ये भी हो सकता है। हो सकता है। मगर अभी उसका फायदा क्या है? अभी कैसे पता चलेगा कि मूसा अब दिखता कैसा है? पता लगाया जा सकता है पुष्पा जी। गुड जॉब चीते, पता लगाया जा सकता है कि मूसा दिखता कैसा है। हाँ। करिश्मा सिंह जरा गाड़ी रोकी। हाँ मैडम सर। जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। बन गया पहला। अरे वाह संतो। अभी दूसरा। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है करिश्मा सिंह, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं करिश्मा सिंह, इतना धोखा हम सूंघ कर पहचान लेते हैं। इस अर्जुन ने अपने बारे में अब तक जो कुछ भी बताया है वो साफ साफ झूठ है, उसके चेहरे पर लिखा था। तो आपको क्या लगता है कि हमारा रुचि नहीं है इसमें? हमारा रुचि मूसा में है, जो ये इंसान ही हमें वहां तक पहुंचा सकता है। करिश्मा सिंह, लेकिन हो सकता है कि आदमी हमें धोखा दे रहा हो। देखिए हमें फिलहाल के लिए थाने लौट जाना चाहिए और पूरे फोर्स और बैकअप के साथ आना चाहिए। क्या बात कर रही है मैडम सर, आप कह रही है कि ये मिशन हम यहीं ड्रॉप कर दें? हाँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, आप ये मिशन कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, तो आप थाने वापस जा सकती हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब प्रलय आ जाए चाहे आंधी आ जाए, हम तो मूसा को वापस लेकर ही लौटेंगे थाना। आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि इस सब में खतरा है?
खतरा तो घर बैठे इंसान को भी हो सकता है। क्या पता टीवी देखते देखते छत का पंखा सर पर गिर जाए और वो बैठे बैठे निकल जाए। इतना खतरों से डरेंगे तो सड़क भी पार नहीं कर पाएंगे मैडम सर। और हम पुलिस वाले हैं, हम अगर खतरों से डरेंगे तो फिर हो गई हमारी ड्यूटी। रुक जाइए करिश्मा सिंह, आप गलती कर रही हैं। मैडम सर, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप हमारे संयम का परीक्षा ना लें। हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस मिशन में हमें ना आपका हेल्प चाहिए ना कोई दखल अंदाजी, लेकिन आप बार 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 वही कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं आपके लिए क्या सही और क्या गलत। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। ठीक है मैडम सर, अब आप इतना फोर्स कर ही रही हैं तो ये मिशन को यहीं ड्रॉप करते हैं, चलते हैं वापस। करिश्मा सिंह, माफ कीजिएगा मैडम सर, हम ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमें बहुत मजबूर कर दिया। एक बार मूसा हमारे हाथ से निकल गया आपकी वजह से, लेकिन दूसरी बार हम उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। एक बार मूसा हमारे हाथ आ गया ना, फिर आप हमें जो सजा देना चाहे दे दीजिएगा, लेकिन अभी आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बन गया तीसरा भी। हाँ, करिश्मा सिंह रुकिए, आप हमें छोड़ कर नहीं जा सकती ऐसे। करिश्मा सिंह रुकिए, रुक जाइए करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप जल्दी से वापस आ जाइए। ये मिशन नहीं है, आत्महत्या है। वो अर्जुन जो है ना, वही मूसा है। क्या बात है, पहली बार देखा है किसी पुलिस ने पुलिस को हथकड़ी लगाई। तुम चुपचाप रास्ता दिखाओ हमें, और ये मूसा नहीं मिला ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम जिंदगी भर कुछ देखने लायक नहीं रहोगे, समझे? यही, बस आगे से लेफ्ट चली। करिश्मा सिंह हमें यहाँ रास्ते पर छोड़कर अर्जुन के साथ अकेली चली गई है। क्या जी, आप संतोष से कहिए कि करिश्मा का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करे और हमें अपडेट करती रहे। जी जी मैडम सर, जल्दी जल्दी। करिश्मा मैडम मिला। क्या हुआ पुष्पा जी? चलो चलो कंट्रोल रूम में चलो। करिश्मा मैडम जो है वो हसीना मैडम को छोड़ के चली गई अकेली, अब उनका लोकेशन ट्रेस करना है। चलो जल्दी चलो। देखिए हमें आपकी मदद चाहिए, हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ चलिए। अरे मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है वहाँ। चलो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी और लाइसेंस हम जब्त कर लेंगे। चलो, आज तो ब्रेकअप कंफर्म है। चलो चलो सीधा। बस यहीं से सीधा सीधा चलते रहिए। सर्कल से राइट 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 लेना है। राइट राइट। हाँ हाँ, बस ये आगे से राइट लेके वहीं रोकना है। एक सेकंड मैडम सर, करिश्मा मैडम की लोकेशन रामनगर के पास जाके गायब हो गई। रुको 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 रुको। एक काम करिए, आप उनकी लोकेशन ट्रेस करते रहिए और जैसे ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले हमें तुरंत अपडेट कीजिए, ठीक है? जी मैडम सर। रामनगर चलो। संतु, हमें अंदर से बेचैनी हो रही है, कुछ तो है जो अच्छा नहीं हो रहा है, हमें मदद के लिए वहां पहुंच जाना चाहिए।
तुम एक काम करो, तुम यहाँ ट्रेस करती रहना, हम डीएसपी सर को बता के चीते को लेकर रामनगर पहुँचते हैं। हाँ, और तुम फोर्स को फोन करके उसको भी तैयार रखना, ठीक है? अब कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? जी पुष्पा जी। ये कौन सी जगह है? ये मूसा भाई का अड्डा है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय हमरे और मूसा भाई के। देखिए, हमने कहा था ना आपसे कि हम आपको आज मूसा से जरूर मिलवाएंगे। देखिए मैडम जी, हम कितने पक्के हैं अपने वादे के। मूसा कहाँ है? ऐसे सच बताएं मैडम जी, जब फर्स्ट टाइम हमारा आपसे इंटरेक्शन हुआ था ना, तो हमें लगा था कि वाह, ब्रेव, शार्प और इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। अच्छी खासी टेंशन हो गई थी आपसे मिलकर, पर सच बताएं, आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया हमें। दरअसल हमने आपके बारे में जो सोचा था वैसी तो आप बिल्कुल नहीं निकली मैडम। माफ कीजिएगा कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए। अब आप बताएंगे कि मूसा कहाँ पर है? अरे हमें तो अच्छी खासी टेंशन हो गई थी कि हमारा ये नाटक ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आइडिया तो लगा ही लेंगी ना आप कि ऐसा कहाँ चल रहा है, पर मैडम आप तो बहुत बड़ी ऊ निकली, कहाँ कहते हैं आपकी भाषा में, हाँ चूरन निकली। मूसा कहाँ है लास्ट बार पूछ रहे हैं। अरे अभी भी आप पूछ रही हैं कि मूसा कहाँ है? मूसा तो हर वक्त आपके साथ था, आपके बिल्कुल नजदीक था, आपके ही सामने था, पर आप पहचान ही नहीं पाए। दरअसल शैतान और मूसा भाई में यही तो सिमिलैरिटी है कि जब तक वो ना चाहे तब तक उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। ओ देखिए, वो रहे मूसा भाई। मैडम अभी तो समझिए कि आप कहाँ और किसके सामने खड़ी हैं। ऐसे बच्चे की तरह उछलती कूदती रहेंगी तो गोली बोली चल जाएगी, भेजा भेजा उड़ जाएगा। इसलिए मौके की नजाकत को समझिए और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। अपनी गन नीचे कीजिए और हाथ ऊपर कीजिए। ये रस्सी खोलो और मेरे कपड़े तैयार हैं। हाँ भाई। गलती आपकी है मैडम, टोटली गलती आपकी है। समझाया था आपको कि लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा वरना उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, पर सुनी कहाँ आपने मेरी। आप तो बस फिल्मी डायलॉग मार रही हैं। गलत टाइम पे गलत आदमी के सामने आपने अपनी दिलेरी दिखा दी मैडम। काश आपने मुझे सीरियसली लिया होता, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। गलती आपसे हो चुकी है, लिमिट आप क्रॉस कर चुकी है, अब टाइम है पनिशमेंट का, जो किया है उसकी भारी कीमत चुकाने का, राइट मैम?
अब तुम तो क्या, पूरा डिपार्टमेंट दुखी है हमसे कि जब बात ड्यूटी का आता है ना, तुम्हारे जैसे क्रिमिनल का आता है ना, तो हम ये लिमिट नहीं देखते हैं। हमें शुक्र मनाओ कि उस दिन हमारा मूड अच्छा था, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की सैर कराए, वरना हमारा इरादा ना कुछ और था। हमारा इरादा था तुम्हें जमीन में गाड़ कर तुम्हारे ऊपर मीठा दही डालकर तुम पे कुत्ते छोड़ने का था। अभी हमने लिमिट दिखाया कहाँ है अपना, लिमिट दिखाएंगे तो तुमको पता चलेगा हमारा भौकाल। डायलॉग डायलॉग डायलॉग, बस का कुछ नहीं है आपके सिर्फ डायलॉग मारने के अलावा। अगर बस का होता तो मूसा को कब का पकड़ चुकी होती, लेकिन पकड़ना तो दूर, तुम तो उसकी परछाई भी छू नहीं पाई। और अभी भी देखो ना, जगह मेरी, आदमी मेरे और गन पॉइंट पर तुम हो, फिर भी तुम मुझे धमकी दे रही हो। चेता रहे हैं तुमको, तुम अब जाओगे जेल और जेल की हर दीवार पे एक ही चीज लिखोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम साना देखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.